गोवा विधानसभा में आज आप सबके बीच में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। विकसित भारत बनाने में हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका, गोवा विधानसभा की भूमिका और हमारी चुनी हुई जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, पंचायत, नगरीय क्षेत्र, हम सबके सामूहिक प्रयासों से हम किस तरीके से नए भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, आत्मविश्वासी भारत के निर्माण के लिए एक साथ सामूहिक प्रयास के साथ सामूहिक संकल्प के लिए यहां पर आए हैं। मैं इस मौके पर गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, गोवा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रमेश तावड़कर जी, केंद्र सरकार में मंत्री और जिन्होंने सांसद और मंत्री के रूप में लंबे समय तक गोवा का नेतृत्व किया, श्रीपद यासो नायक जी, गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री जोशु डिसूजा जी, मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण, विधायकगण, पंचायत और नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधिगण, गोवा विधानसभा के पूर्व मंत्री, विधायक, सभी प्रतिष्ठित नागरिकों का मैं गोवा विधानसभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गोवा देश की वो मनोरम धरती है जहां की प्राकृतिक सुंदरता, जहां की संस्कृति, जहां का समुद्री तट, जहां की आधुनिक और विरासत संस्कृति और विशेष रूप से नूतनता को लिए हुए, जिसमें प्राचीनता का अद्भुत संगम है, गोवा अपने आप में एक विशेष स्थान रहता है। गोवा इस देश का नहीं, विश्व का एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और विश्व के कई देशों से भी यहाँ आते हैं, इसलिए पर्यटक के रूप में भी गोवा को जिस तरीके से विकसित किया, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गोवा की मेहनत कश, कठिन परिश्रमी, मिलनसार इस जनता के कारण गोवा ने सबका दिल जीता है और इसीलिए आज देश और दुनिया के लोग गोवा की तरह आकर्षित होते हैं। आज हम यहां पर 2014 में विकसित भारत का सपना हम सब ने देखा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश की जनता को आह्वान किया कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से देश की 140 करोड़ जनता के सामूहिक प्रयास, सामूहिक
कर्तव्य, सामूहिक दायित्व, हम सब मिलकर 2014 जब आजादी के 100 साल होंगे, जब विकसित भारत का सपना देखना चाहते हैं, और इस विकसित भारत को बनाने में सभी राज्य की जनता, देश की जनता सामूहिक प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से हमारा यह संकल्प भी सिद्धि की ओर होगा। मुझे पता है कि गोवा विधानसभा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। गोवा की जनता ने एक लंबी लड़ाई 47 के बाद लड़ी और 1961 के अंदर गोवा को स्वतंत्रता मिली, और आज इतने कम समय के अंदर गोवा का विकास, यहाँ की जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण में इस विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्यों यही वो कार्यस्थली है जहाँ पर हमने एक राजनीतिक संस्कृति, एक कार्य संस्कृति के आधार पर गोवा के विधानसभा की नीतियाँ बनाई, कार्यक्रम बनाए, लोगों को अधिकार देने के लिए कानून बनाए, जिसके कारण आज गोवा विकास की नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। मुझे खुशी है गोवा शायद शिक्षा में हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, अन्य सभी पैरामीटर में गोवा अग्रिम स्थान पर है। यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार किस तरीके से हम देश के और विश्व के मानकों में सबसे प्रथम पंक्ति पर आए, इस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये कह सकते हैं देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेही बनी है। लेकिन हमारी सपने कुछ और हैं, और इन सपनों को हम करना है इस 25 वर्षों के अंदर। आजादी के बाद हमने एक लंबी विकास की यात्रा की, आजादी के एक लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी, हमने उन चुनौतियों से लड़े, सामूहिकता के साथ मिले, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ लड़े, और हमने दुनिया में साबित किया कि इतने बड़े देश में जहां अलग अलग विविधता है, अलग अलग विविधताओं की संस्कृति है, भाषा है, बोली है, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हमने इसी संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से आज दुनिया को बताया है कि इस विविधता की ताकत हमारी सामूहिकता की ताकत है। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में विश्वास करते हैं, और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जो हमारा अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल में हमने काफी सफलता प्राप्त की है, लेकिन चुनौतियां हमारे सामने हैं। लेकिन इन चुनौतियों को लड़ने का सामर्थ्य भी हमारे पास है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति हमारे पास है, हमारा कुशल नेतृत्व है, हमारी संसदीय लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, और उन्होंने जनता के विश्वास भरोसे को जीता है, इसलिए हमारी जोश उमंग, नया कुछ करने का संकल्प एक सामर्थ्य भारत के अंदर है। दुनिया भारत के सामर्थ्य की ओर देख रही है। आज हमने कई आपदाएं झेली, कई चुनौतियां झेली, कोविड जैसी महामारी चुनौतियों से हम लड़े, लेकिन चुनौतियों से लड़ने के बाद उस आपदा से हम भी निकले
और हमने विश्व के कई देशों को आपदा में मदद भी की। आज भारत का यह सामर्थ्य बना है, हमारे नौजवानों की अद्भुत क्षमता, नया इनोवेशन की ताकत, नया चिंतन, नया विचार, नया जोश, कुछ कर गुजरने की शक्ति सामर्थ्य भारत के अंदर है। और इसीलिए हमारी सबके सामूहिक प्रयासों से हम निश्चित रूप से 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे। साथियों, आप सब जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के नाते आपका दायित्व ज्यादा होता है। एक छोटे राज्य में हम किस तरीके से जनता के साथ संवाद कर, जनता के साथ चर्चा कर, उनके अभावों को समझकर, उनकी कठिनाइयों को समझकर और भविष्य की चुनौतियों को समझकर हम इस सदन के माध्यम से चर्चा और संवाद से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में इसी चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति से हमने देश का विकास किया है और इसीलिए हमारे जो विधानमंडल हैं उन विधानमंडल के अंदर जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनके अभावों को सदन के माध्यम तक, सरकार तक पहुंचाते हैं। और हम जितनी ज्यादा जनता से हमारा संपर्क होगा, जितनी निकटता से हम समस्याओं को समझेंगे और उसका समाधान का रास्ता की चर्चा करेंगे, मुझे कई बार लगता है कि विधानमंडल हो या संसद हो, उसमें नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना करने की जगह आजकल विरोध की नई प्रवृत्ति शुरू हुई है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, नीतियों की आलोचना करना हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन हम जब फ्लोर पर बात करें, जब नीतियों, कार्यक्रमों की आलोचना करें, सरकार को मार्गदर्शन देने का काम करें और किस तरीके से उन नीतियों, कार्यक्रमों को ठीक से उसका एग्जीक्यूशन हो, जो नीतियां, कार्यक्रम इस विधानसभा में बनाए हैं, सरकार ने बनाए, उनको जनता तक ठीक से पहुंचने नहीं पहुंच रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए सदन के अंदर हम हर सरकार के एक्शन पर चर्चा करें, कानून बनाते समय हमारी लंबी चर्चा संवाद होना चाहिए। हर सरकार कानून बनाती है जनता की बेहतरीन के लिए, जनता को अधिकार देने के लिए और एक निष्पक्ष और जवाबदेही शासन के लिए। और उस समय जब कानून बने तो कानून के समय व्यापक डिबेट हो, डिटेल में डिबेट हो, चर्चा हो, जितनी चर्चा संवाद से कानून बनेंगे उतने ही बेहतरीन कानून बनेंगे और जनता का उतना ही हम अपने दायित्व को निभाते हैं, उनके जीवन को बेहतरीन करने का काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे खुशी है कि गोवा विधानसभा के दिन 40 दिन से ज़्यादा गोवा विधानसभा चलती है, क्योंकि हमारी चिंता ये रहती है कि आजकल विधानमंडलों की बैठकों की संख्या कम होती चली जा रही है, ये हमारा चिंता का विषय है। लेकिन गोवा छोटा राज्य होने के बाद भी यहाँ पर अच्छी चर्चा होती है, संवाद होती है, डिबेट होती है और डिबेट, चर्चा, संवाद से जो मंथन निकलता है उससे हम जनता के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं। और इसलिए मुझे आशा है आने वाले समय में हमारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे पंचायत है, चाहे नगरपालिका क्षेत्र है, चाहे विधानसभा हैं, चाहे लोकसभा हैं, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता, हम जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे। जितनी सदनों में चर्चा होगी उतनी कार्यपालिका पर ठीक से निगरानी और नियंत्रण हम कर पाएंगे। और इसीलिए इन सदनों के अंदर व्यापक चर्चा संवाद होना चाहिए।
हर विषय पर चर्चा संवाद होना चाहिए, चाहे ग्राम पंचायत हो तो ग्राम सभा में जब विकास की योजनाएं बनाए तो ग्राम सभा विकास का कांका जनता के बीच में बैठे, प्राथमिकता के आधार पर गांव में क्या विकास होना है, क्या राज्य की लोगों की अपेक्षाएं हैं, तो पंचायत राज राज्य तक पहुंचाए, राज्य की विधानसभा के अंदर उन योजनाओं पर चर्चा हो। और मेरा विश्वास भरोसा है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर सारी योजनाओं को एग्जीक्यूशन करते हुए उनके अभावों को देखते हुए एक ऐसे पैरामीटर पर पहुंच सकते हैं कि गोवा आने वाले समय के अंदर भारत में नहीं विश्व के अंदर जो हमारे एसडीजी के गोल हैं उनको 2030 के पहले लक्ष्यों को पूरा करने की संकल्प को ले। और इसीलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हमारे विधानसभा छोटे हैं, निर्वाचन मंडल छोटे हैं, इसलिए हमारी जनता की अपेक्षाएं भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें प्राथमिकता क्या है, किस प्राथमिकता के आधार पर हम सबसे पहले उन प्राथमिकताओं को लेकर जितना हमारा बजट है उस बजट में हमारी प्राथमिकता तय हो और प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य तय करकर उन लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करें। अगर हमने इस दिशा की ओर पंचायत से लेकर विधानमंडल तक चर्चा संवाद से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया तो मैं कह सकता हूं कि 2047 में विकसित भारत के सपने को सबसे पहले गोवा करेगा। और इसीलिए गोवा विधानसभा से मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं, हम उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे लक्ष्यों से काम करें, लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ाए, भरोसा बढ़ाए और विश्वास भरोसा बढ़े, यह हमारी सब जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, नई तकनीकी का उपयोग करते हुए हम हर व्यक्ति से हमारा संवाद सीधा होना चाहिए। और इसीलिए इस बदलते परिप्रेक्ष्य के बदलते दौर के अंदर जब हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हम चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आगे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के आ पाए हैं, मैं आज जब गोवा से आ रहा था तो मैं देख रहा था किस तरीके से गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। आने वाले समय के अंदर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भारत में हो रहा है, चाहे रेल कनेक्टिव हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे निवेश हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोई सेक्टर नहीं है जिसमें भारत नेतृत्व नहीं कर रहा है। और इसीलिए हम सब अगर सामूहिक प्रयासों से करेंगे, सामूहिक जिम्मेदारियों से करेंगे, पूरे संकल्प के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 में जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है उसको पूरा कर पाएंगे। मैं पुनः गोवा के विधानसभा के अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ अपनी बात कहने का अवसर दिया। और निश्चित रूप से हम सब सामूहिक प्रयासों से इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम जनप्रति के नाते अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करते हुए हम अपने क्षेत्र की जनता का अधिकतम कल्याण कर सकें, सबके जीवन की में समृद्धि ला सकें, खुशहाली ला सकें, इस जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।